टुडे वी शैल कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 ए हाउस इज नॉट ए होम। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स? वी शैल सी इन दिस चैप्टर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द ऑथर इन हिज लाइफ। लेट अस सी। माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. In my first year of high school, the author says that his first year of high school was very awkward. After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, कहते कि इट फेल्ट वेरी स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेश मैन। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। द ऑथर सेज दैट व्हेन आई केम टू हाई स्कूल माई ओल्ड फ्रेंड्स हु वर स्टडिंग विद मी दे वेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल्स एंड आई रिमेन्ड अलोन। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मुझे अपने पुराने टीचर इतने याद आते थे कि मैं उनके पास वापस कभी कभी चला जाता था उनसे मिलने। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. मेरे पुराने टीचर्स मेरे को इनक्रेज किया करते थे स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए एंड टू मीट द न्यू पीपल। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. मेरे टीचर्स मुझे बताते थे कि धीरे धीरे समय बीत जाएगा और तुम अपने नए स्कूल को पुराने से भी ज़्यादा लाइक करने लग जाओगे। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. उन्होंने प्रॉमिस किया कि व्हेन दैट हैपेंड जब ऐसा हो जाए तो आई वुड स्टिल कम बाय विजिट एंड विजिट देम और मैं उनसे विजिट करूं मिलने जाऊं। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग। मैं उनकी साइकोलॉजी समझ गया था वो किस सेंस में कह रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नंदीलेस। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कम्फर्ट फील कर रहा था। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल I was sitting at home at our dining room table doing homework. Author says that and on Sunday afternoon he was doing homework at his home. It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. It was cold day, hawa chal rahi thi aur fireplace mein aag jal rahi thi. As usual my red tabby cat was lying on top of all my papers. purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake. आम तौर की तरह मेरी जो कैट है वो मेरे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी और वो परिंग लाउड म्याऊ म्याऊ कर रही थी जैसा कि वो पहले करती थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. The author tells us that Once he saved the life of that cat, so cat thinks that I was the responsible person to give her a good life. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange. मेरी मदर जो है वो fireplace में लकड़ियाँ डालती रही ताकि house जो है वो गर्म रहे। अचानक मुझे एक smell आई and then I noticed its smoke pouring in through the seams of the ceiling. अचानक से मैंने देखा कि छत में से जो है वहाँ पर जो है धुआं निकल रहा है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। एकदम से धुआं इतना भर गया कमरे में कि हम कोई चीज़ देख भी नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग ओवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department,
वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। कहने का मतलब देयर हाउस वॉज सेट ऑन फायर, उनके घर में आग लग गई थी, इधर उधर बाहर की तरफ भागे। मैंने नेबर्स को कहा कि वो फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करें, और मेरी मदर जो है मैंने देखा कि वो घर के अंदर वापसी जा रही थी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस। मेरी मदर अंदर से जो है एक बॉक्स, मेटल बॉक्स लेके आई जिसमें हमारे घर के जरूरी कागजात थे। उन्होंने वो बॉक्स बाहर फेंका और फटाफट फिर चली गई अंदर। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था वो क्या लेने गई है। माई फादर हैड डाइड वन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। मुझे समझ आया कि मेरी मदर जो है मेरे पापा की पिक्चर्स, उनके लेटर्स जो है वो लेने गई है ताकि वो जल ना जाए। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मोम नो, मैं बाहर चिल्ला रहा था कि मोम घर में मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट इस लार्ज हैंड होल्ड मी, मैं उनकी मम्मा के पीछे भाग रहा था, एक बहुत बड़े आदमी ने हैंड मुझे पकड़ लिया। इट वॉज ए फायरमैन। आई हैड नॉट बीन इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ इन देयर, मेरे को छोड़ दो, आई वॉन्ट टू गो एंड हेल्प माई मदर। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ वी वर टू लेट गो आई वुड रन, ही वॉज राइट। उसने मुझे पकड़े रखा और बाकी फायर फाइटर्स ने घर के अंदर जाके आग बुझाई। इट वॉज ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सैड। वो मुझे कहने लगे कि सब ठीक है, वो तुम्हारी मम्मा को अंदर से ले आएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अवर कार। सून आफ्टर दैट ए फायरमैन इमर्ज फ्रॉम अवर हाउस। उन्होंने मुझे ब्लैंकेट में लपेटा और मुझे कार में बिठाया। बहुत जल्दी ही एक फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला। यू कैन सी दिस, द फायर ब्रिगेड टीम इज़ ट्राइंग टू डाउज द फायर, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। रूफ जो है सीम्स उसमें आया था, सीम्स ऑफ द सीलिंग ये वुडन की है जिसमें आग लगी हुई है। तो फायर की जो एक मेंबर जो है, ही ब्रॉट माय मॉम इन टो, ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। अब मैं जो हूँ मम्मा को जो है आर्ग्यूमेंट कर, आई हैव एवर आर्ग्यूड विद हर, मैं उसे नफरत कर रहा था, वैनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि अगर वो अपनी मम्मा को खो देता तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि फादर वॉज ऑलरेडी डाइड। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, सेट द फायरमैन। शी इज़ जस्ट इनहेल्ड लिटल स्मोक, धुआं अंदर चला गया था। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। डेज का मतलब हैरान, हम हैरान होके अपना घर को जलता देख रहे थे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। मैं अपने घर को हमारी आँखों के सामने जलता हुआ देख रहा था एंड आई न्यू दैट आई कुड डू नथिंग। 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे बाद आग जो है वो बुझ गई थी। Our house was almost completely burned down. हमारा घर लगभग पूरा जल गया था। But then it struck me. अचानक मेरे मन में ख्याल आया, I had not seen my cat. Where is my cat? मेरी cat कहाँ चली गई? Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school. वो बिल्ली नहीं मुझे मिल रही थी। अचानक मेरे मन में आया कि द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। एक तो पहले मेरी प्रॉब्लम आ रही थी न्यू स्कूल की, सारे फ्रेंड्स चले गए। दूसरा, हमारे घर में आग लग गई, ठीक है, सारा घर जल गया। तीसरा, जो मेरी प्यारी कैट थी वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं रोने लगा एंड क्राइड, आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉस, इट वॉज बिग टाइम, बहुत बड़ा समय, इट वॉज बिग टाइम, आई हैव अ सफरिंग लॉस।
The fireman would not let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. फायरमैन ने उस दिन हमें घर में जाने नहीं दिया क्योंकि अभी भी खतरा था. मैं डेड था या अलाइव था. डेड और अलाइव, आई कुड नॉट इमेजिन, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी कैट मेरे पास नहीं थी. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन अवर बैग्स एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स. लेकिन फाइनली हमें वहाँ से जाना पड़ा. हम कार में बैठे, जो भी कपड़े हमने डाल रखे थे, एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. और उसके बाद रात बिताने के लिए हम कहाँ चले गए? ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट वन. नेक्स्ट पेंडिंग पार्ट वी शैल कंप्लीट टुमारो, कि हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. वो इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आता है? हाउ डज ही कंट्रोल प्रॉब्लम, हमें पता चल गई है. ही इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ ही हैड बीन going to a new school. Second problem, his house was fully set on fire. And third problem is, his cat was also missing. Now we have to see in second part, how does he overcome these problems. So read this, the chapter I have taught, and try to read the pending part also. Thank you. Have a nice day.